सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अंशुल धारीवाल आज आपका हमारे चैनल दैट इज ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक्स। यही से आपको आइडिया लग रहा होगा कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें सेम है या फिर अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, क्या है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आज आपको प्रॉपर लेक्चर में यहाँ से डेफिनेशन भी मिल जाएगी और मैं आपको प्रॉपर आज एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी कि आइसोइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो यही बात आ जाती है कि वो चीज होती क्या है, हम उसको बारे में जानना चाहेंगे कि वो क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक। तो दे आर द एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस, ऐसे एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे ये सोडियम है, सोडियम का एटमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और इसका जो एटमिक मास होता है वो कितना होता है, 23 होता है। तो हम क्या करेंगे कि मतलब इसमें से एक हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, सेम चाहिए, इसके अकॉर्डिंग चाहिए कि मतलब ये दोनों क्या रहे, इक्वल रहे। तो क्या करेगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये खुद बता रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हुए। वो कैसे हुए, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो अब जैसे फ्लोरिन में देख लेते हैं, फ्लोरिन का एटमिक नंबर होता है 9 और एटमिक मास कितना होता है, 19। तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आए। और यही मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है, विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी 10 आया, यहाँ पे भी 10 हुआ, तो क्या हुआ, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक। इसी को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक। तो मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग और बताती हूँ, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का एटमिक नंबर होता है 12 और उसका एटमिक मास कितना होता है, 24। तो इसमें क्या हुआ कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आ रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 बचे। ऐसे ही एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, तो ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि क्या होता है, जो शेल्स है उसको क्या होना है, स्टेबल होना है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो क्या हुआ, कंपेटिबिलिटी क्या रही इनकी, सेम रही। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि CH4 है, तो CH4 में जैसे कि कार्बन का एटमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और हाइड्रोजन का एटमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, यहाँ पे 10 आए। ओके, ऐसे ही NH3 में, तो नाइट्रोजन में कितने, नाइट्रोजन का एटमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, और हाइड्रोजन का एटमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 3 हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, तो 1 × 3 दैट इज 10। तो क्या रहा, आपने यहाँ पे क्या देखा, तो आइसोइलेक्ट्रिक से आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी आती है वो कैसी आती है, सेम आती है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, फर्स्ट में भी वही आई, सेकंड में भी वही आई, ऐसे नहीं है किसी की 8 आई, किसी की 9 आई, नहीं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि यहाँ पे भी 10 आए, यहाँ पे भी 10 आए, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, और ये अलग 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 एग्जाम्पल है, ये भी अलग एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन आए, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ कि आप मेरे को इसमें बताना कि हाउ मच आइसोइलेक्ट्रिक प्रेजेंट इन H2O। थैंक यू।